News 18, India. नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जसप्रीत कौर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के समय बुधवार को काशी और मथुरा को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की जन आस्था तीन जगह है, अयोध्या, काशी, मथुरा की मांग कर रही है। सीएम योगी ने महाभारत के हवाले से सदन में बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन से सिर्फ 5 गांवों की मांग की थी, हम सिर्फ 3 स्थल मांग रहे हैं। सीएम योगी ने ज्ञानवापी और शाही ईदगाह का जिक्र करते हुए ये भी संकेत दिया कि अयोध्या समारोह के बाद अब काशी और मथुरा का समय है। और साथ ही साथ सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला और काशी मथुरा की बारी है। ये योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बड़े संकेत दिए हैं। ये कहा कि हमारे लिए अयोध्या काशी विशेष है। नंदी बाबा कह रहे हैं कि हम क्यों इंतजार करें, हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। तो इस पर अब राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में न सिर्फ राम मंदिर का जिक्र किया और कहा कि जब राम मंदिर बना और इस नजारे को पूरी दुनिया ने देखा, वो अलौकिक क्षण था। उस समय 5 गांव मांगे थे भाई। भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो। लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए, वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है वो, असामान्य यानी उसको सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते। लेकिन एक जिद है और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहली बार पहले होना चाहिए था। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, वे हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। इस बीच आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। हम मानते हैं मंदिर का विवाद न्यायालय में था, लेकिन वहां की सड़कों को तो चौड़ा किया जा सकता था ना, वहां के घाटों का पुनरुद्धार किया जा सकता था, अयोध्या वासियों को बिजली की आपूर्ति की जा सकती थी, वहां स्वच्छता की व्यवस्था की जा सकती थी, वहां स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं दी जा सकती थी, वहां एयरपोर्ट बनाया जा सकता था, विकास के इन कार्यों को किस मंशा के साथ रोका गया था, कौन सी मंशा थी कि अयोध्या का विकास ही अवरुद्ध कर दो, काशी का विकास ही अवरुद्ध कर दो, मथुरा वृंदावन के विकास को ही अवरुद्ध कर दो। महोदय, ये तो
मुद्दा नियत का है। हमारी आस्था थी और नीति भी साफ थी और नियत भी बहुत स्पष्ट थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में काशी मथुरा का जिक्र कर विपक्ष पर निशाना साधा था, जिस पर अखिलेश यादव ने जमकर पलटवार किया। किसी जगह के साथ कभी अन्याय नहीं होता है। जो विकास है स्टेट गवर्नमेंट समय समय पर, अगर वो आज ये बता रहे हैं क्योंकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा ये है, अगर कुछ सिटीज के नाम मुख्यमंत्री ले रहे हैं तो वो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। 2024 में वो जानते हैं कि वोट की राजनीति करनी है। अगर पहले का विकास आज का विकास मैं समझता हूँ तुलना करना चाहिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया उस पर सियासत गर्मा गई है। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के काशी मथुरा वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जुमेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री काशी मथुरा पर प्रदेश को भड़का रहे हैं, क्या विचाराधीन मामले में सीएम का यही कर्तव्य है? क्या यह विधानसभा का लोकतंत्र की नौटंकी मात्र नहीं है? इतना स्तर गिरेगा विधानसभा का सोचा ना था। बढ़ते आगे ज्ञानवापी के व्याजी तहखाने से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। मुस्लिम पक्ष ने व्याजी तहखाने में पूजा पाठ रोकने की मांग की है, जिस पर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। 31 जनवरी को वाराणसी कोर्ट ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ज्ञानवापी के व्याजी तहखाने में पूजा के आदेश दिए थे और आज कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि हमें मौका नहीं दिया गया अपनी बात रखने का और इतनी जल्दी पूजा कर ली गई। इससे पहले हमने देखा था कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि आप हायरार्की का ध्यान रखिए, पहले हाईकोर्ट जाइए। और हमने देखा था कि याचिका में भी कई त्रुटियां थी, तो इसको ठीक करने के लिए कहा गया था। अब व्यासजी तहखाने में हर रोज पूजा हो रही है, पूजा पर रोक की मांग मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई है और इसी को लेकर के मुस्लिम पक्ष ने अर्जी दाखिल की है, जिस पर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी के संदर्भ में जो ब्यास जी का तहखाना है साउथ दक्षिण छोर में जो नंदी जी के सामने है, उस पर विगत 31 जनवरी को माननीय जिला कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था, जिसमें मांग की गई थी हिंदू पक्ष द्वारा कि ब्यास जी का तहखाना जो सैकड़ों वर्षों से उनके कब्जे में रहा है, पूजा पाठ तमाम धार्मिक क्रियाएं होती थी, राग भोग होता था, उसको पुनः बहाल किया जाए। 15 दिन तक इस पूजा पाठ जो कंप्लायंस जिलाधिकारी द्वारा किया गया है, इसको तत्काल 15 दिन के लिए रोक दिया जाए, ताकि हम लोग अपनी अपील ऊपर हाईकोर्ट में करें मुस्लिम पक्ष का, जबकि हाईकोर्ट में ये जा चुके हैं, वहाँ भी सुनवाई चल रही है, लगातार चल रही है।